अगर एक आदमी इलॉजिकल बात मानता है तो वो बेवकूफ है, अगर 10 करोड़ आदमी एक इलॉजिकल बात मानते हैं तो धर्म हो गया। और एथीस्ट वर्ड मत बोलिए, आप बोलिए रैशनलिस्ट। आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन, आई एम अगेंस्ट फेथ। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? मैं ये बिलीव करता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैंने नॉर्थ पोल देखा नहीं मगर मैं बिलीव करता हूँ, तो इसे मेरी फेथ कहेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि एक लॉजिक है कि भाई अगर गोल है दुनिया तो ऊपर कोई हिस्सा होगा, नीचे कोई हिस्सा होगा, ऊपर के हिस्से को नॉर्थ पोल कहते हैं। और लोग कुछ हैं जो गए भी हैं, तस्वीरें वगैरह भी लाए हैं। अच्छा, और अब मैं भी चाहूँ अगर इतनी इज्जत है तो जाके देख सकता हूँ। और यानी रैशनल विटनेस, लॉजिक, कॉमन सेंस इसके फेवर में, इसलिए ये बिलीफ है, फेथ नहीं। फेथ का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी बात माने जिसका ना कोई विटनेस हो, ना कोई गवाही हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई वजह हो, ना कोई उसका लॉजिक हो, ना उसका कोई रीजन हो, उसके बाद भी उस बात को माने तो वो फेथ हुई। अगर मैं कोई ऐसी बात मानूं जिसके ना कोई लॉजिक है, ना कोई रीजन है, ना कोई गवाही है, ना कोई सबूत है, और मैं मान रहा हूं, तो वो बेवकूफी क्यों नहीं है? यही तो बेवकूफी की बात होगी ना। Of course there is, but there is no halo around it. There is nothing like spiritual about it. When you look at the fan, and that the fan is running on full speed, you can't see the blades. It doesn't mean there are no blades. You know, when you think very quickly, you may not see the reason, but when you sit back and analyze it, if the conclusion is right, then there is a logical step behind it. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.